आज झांसी के ललितपुर लोकसभा सीट पर पांचवें चरण की वोटिंग जारी है। जहां देखा जाए एक और राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, तो वहीं सूरज का तापमान भी कम नहीं है। 47 डिग्री तापमान होने के बाद भी मतदाताओं में खास जोश देखा जा रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए दावे कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए भी लोग आश्वस्त हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कुछ मतदाताओं से बातचीत की, सुनिए। इस वक्त मौजूद हैं हम कुछ मतदाताओं के साथ, जिन्होंने मतदान करके निकले। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने किस विषय पे मतदान किया, क्योंकि झांसी में आज पांचवें चरण में लोकसभा का चुनाव है। अब उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक मकरानी। आज आपने जो मतदान किया है किस उद्देश्य से किया है? एक तो हमने जो मतदान किया है जीत देखते किया है। स्थानीय नेता होना चाहिए, हमारे बीच का नेता होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 साल पहले हमने कोई गलती की, हम 5 साल पहले फिर वही गलती करें। इसका मतलब क्या, आप 5 साल पहले कोई गलती कर चुके हैं क्या? बिल्कुल 100% गलती कर चुके हैं। झांसी की जनता ने गलती है। उमा भारती 5 साल नहीं दिखाई थी, अनुराग शर्मा फिर दिखाई नहीं दिए। अनुराग शर्मा फिर मैदान में आए। आज एक ऐसा आदमी हमारे बीच का आदमी है, प्रदीप जैन। हम लोग चाहते हैं अच्छा आदमी जो विकास कर सके, हमारी सुन सके। तो आपको लगता है कि प्रदीप जैन आपकी सुनवाई करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। आप फोन करिए, आपको डायरेक्ट फोन उठाएंगे। उनको फोन करते हैं तो दूसरा फोन उठाता है, उससे ज्यादा क्या हुआ। क्या नाम है आपका? आज आपने वोट डाला है, क्या सोचकर मतदान किया है आपने? देश में सही काम, किस तरीके के सही काम चाहती है आप? सबसे ज्यादा ये जवान लड़कों के लिए जो परेशानी है। क्या परेशानी? नौकरी नहीं है क्या? नहीं, नौकरी नहीं है। 374 है, लड़कियों को ज्यादा बोर है। मतलब जबरन लड़कों को फंसाया जाता है? जबरन फंसाया जाता है। माँ बापों की बर्बादी है, बुढ़ापे में उनके लिए पैसा है, बहुत सी परेशानी है। एक महिला है जो कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं नौजवानों पर, हमने उसको देखते हुए मतदान किया। क्या नाम है? मेरा नाम रईस शर्मा है। रईस भाई, आप किस चीज को लेके आज आपने लोकसभा में वोट डाला, क्या है इन मुद्दा पर? हमारे बीच जो हमारे नेता है प्रदीप जैन, ये बहुत अच्छे आदमी है और उन्हीं को चुनाव किया हमने। आखिर प्रदीप जैन ही क्यों, और भी प्रत्याशी है? प्रदीप जैन बहुत करीबी है हमारे। बहुत करीबी का मतलब ये है कि अगर एक फोन लगाते हैं, कॉल करते हैं, वो फौरन हाजिर हो जाते हैं। कहीं भी उनको आप मदद ले सकते हैं उनकी। और भी लोग हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर आज लोकसभा में मतदान किया। क्या नाम है आपका? हामिद अब्बासी भैया। अभी जी, आज आपने वोट डाला, क्या सोच के, किस चीज़? हम सिर्फ इसलिए डाला है वोट कि बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा नहीं होना चाहिए। विकास जब होगा, जब बेरोजगारी मिटेगी। क्या आप मान के चल रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी सबको पता है, सभी जान रहे हैं कितना बेरोजगार है आदमी। आज आप युवा वर्ग देख लो, किसी को भी देखोगे बेरोजगार से ज्यादा परेशान है। विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास तो तब अच्छा लगता है जब हमारा पेट भरा हो। क्योंकि आपको लगता है कि भाजपा सरकार विकास नहीं कर रही है? विकास कहाँ, आप खुद विकास तो कर रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात विश्वास होना चाहिए कि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। मतलब आपने बेरोजगारी को लेकर मतदान किया है कि बेरोजगारी दूर, बेरोजगारी दूर। और भी नौजवान है जिन्होंने वोट डाला, मुझसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? शाहरुख राइन। क्या सोच के आपने आज वोट डाला है? मैंने युवाओं को अपनी सोच समझ के, जो युवाओं के लिए नौकरी नहीं है उसको सोच कर ही वोट डाला है आज अपने लिए। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, इस तरीके से मणिपुर में घटना हो रही है, इसको देख कर ही मैंने अपना वोट एक युवा शक्ति को, जो हमारे दो युवा आज हमारे बीच है, श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनको सोच कर ही मैंने श्री प्रदीप जनदित्य को अपना वोट दिया है। और भी मतदाता है, उनसे जानना चाहेंगे आपने मतदान किया है क्या? जी बिल्कुल, मैंने इसको देखकर बहुत किया है कि आज जो देश का माहौल है, जो एक तरफा माहौल बदल नफरत फैलाया जा रही है, हमने देख मोहब्बत को देख के वोट डाला है। कि लोगों में जो घृणा फैलाया जा रही है इस सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं कि इन लोगों की विचारधारा को ठेस पहुंचे, और कहते हैं विकास की बात करते हैं, हम सबका विकास करते हैं, किसी तरह का उनका बयान ऐसा नहीं होता कि हम विकास, हमने इसको बदलाव को देखते हुए वोट डाला है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को वोट डाला है। हम और भी मतदाताओं से बात करते हैं जिन्होंने मतदान किया है, क्या सोचकर मतदान किया, क्योंकि आज पांचवें चरण का मतदान है और झांसी में 47 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद भी युवा साथी है, उन्होंने मतदान किया है। हम उनसे बात करते हैं, क्या सोचकर मतदान किया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू नामदेव है। मैंने राष्ट्र में मोदी जी को वोट किया, क्योंकि हम जितना भी वोट मोदी जी को जाता है इससे राष्ट्र मजबूत होगा, इसी सोच के इतनी गर्मी में निकलकर हमारे सारे युवा साथियों में साथ निकल कर वोट किया है और सभी लोगों ने भाजपा को वोट दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सोनी। रंजीत जी, आज आपने मतदान किया है? हाँ मतदान किया है। किस सोच से मतदान किया है? आज राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया है। आज लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को राशन फ्री मिलने में उनको सहयोग मिला है,
कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की है, उनको सोच करके मैंने मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 10 किलो अनाज देंगे। अब कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती, आप सब लोग जानते हैं और कार्यकर्ता भी जानता है। और भी साथी हमारे साथ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है राशिद। राशिद भाई आज आपने वोट डाला? अभी डालने जा रहा है वोट। क्या सोचकर मतदान करेंगे आप? ये हम भी चाह रहे हैं कि विकास बढ़ता रहे, हमारा मोदी जी आगे बढ़ते रहे। और भी साथी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान खान है। रेहान जी आज मतदान का दिन है, 47 टेम्परेचर है झांसी में, आपने मतदान किया है जी। क्या सोचकर मतदान किया है आपने? मैंने ये सोच के मतदान किया है कि सुशासन की सरकार हो, गुंडागर्दी खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, जो मतलब दंगे भड़काने वाली सरकार हो वो ना आए, मोदी जी आए। क्योंकि मोदी जी ने भारत जो आयुष्मान भारत है ऐसी योजना का लाभ दिया कि लोग पहले तरसते थे, तड़पते थे, पर्चे बनवाने में थकते थे, आज 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, आज राशन मिलता है, आज वो छाती ठोक के कह सकते कि जो सुशासन वाली सरकार है, जो एक मजबूत सरकार है, एक जो भारत को अखंड भारत बनाने वाली सरकार। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका कहना क्या है? क्या नाम है? हमारा नाम काशीराम है। काशीराम जी आज आपने मतदान किया, क्या सोचकर मतदान किया? सोच कर भाजपा का आगे बढ़ने का चांस और उत्सव सरकार में जी लाभ है, हर आदमी बड़े उत्सव से जी रहा है और बड़े उत्सव से गर्व से साहब मोदी को हर बात को सुविधा दे रहा है। और भी लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे वो आखिर क्यों मतदान कर रहे हैं। ये क्या नाम है? मैं मोहित पटारिया। पटेरिया जी आज आपने मतदान किया है, वोट डाला है आपने? वोट डाला है। क्या सोचकर वोट किया है आपने? राष्ट्र के लिए, मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए। तो ये थे युवा साथी जिनसे हमने बात करी है, उन्होंने बताया कि आज हमने राष्ट्र के लिए, मोदी जी के लिए वोट किया। सुल्तान आबदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।